बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने में पुलिस फिलहाल असफल नजर आ रही है। ताजा मामला लखीसराय का है, जहां बहुत चर्चित रमाकांत यादव हत्याकांड के गवाह विकास यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने गढ़ी बिशनपुर चौक के बीच सड़क को जाम कर हंगामा किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। इधर घटनास्थल पर पहुंची ग्रामीणों को समझाने बुझाने की प्रयास की गई। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में कल ही गवाही होने वाली थी। जी, हमारे सहयोगी विश्वनाथ जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ, क्या कुछ अपडेट है अब तक इस मामले में, कब घटी ये घटना? इसमें बता दूं, कल देर संध्या पर यह घटना हुई है। घटना के बाद आक्रोशितों लोगों ने सड़क को जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। लेकिन मैं ये बता दूं कि यह घटना जो है, उनके मामा की भी हत्या की गई थी, जिसके बाद ये कल आज सोमवार को गवाही देने जाना था, जिसको अपराधियों ने कल देर संध्या ही इनको गोली मारकर विकास कुमार की हत्या कर दी। जी विश्वनाथ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज गवाही होने वाली थी पूर्व हत्याकांड की उनके मामा की, और कल ही उन्हें रात में गोली मार दी गई। इसे प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उनका क्या वो एक्शन ले रहे हैं, गिरफ्तारी की गई है किसी की अभी तक? प्रशासन जो है हर जगह पर छापेमारी अभियान चला रही है। इस घटना को लेकर कई स्थानों पर भी छापेमारी की गई है, लेकिन अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी, जब इनके मामा को मारा गया, जब इनके मामा की हत्या हुई, तो उसके बाद अपराधी गिरफ्तार हो गए थे या नहीं? मतलब गिरफ्तार अगर हो गए थे तो आखिर कैसे इनकी हत्या कैसे हो गई कल? पूर्व का मामला है ये, कुछ दिनों पहले जो है इनके मामा की हत्या की गई थी, जिसमें अभियुक्त लोग जो है फरार चल रहे थे, और उसी क्रम में इनकी जो है कल गवाही होने, आज गवाही होने वाली थी सोमवार को, जिसके बाद अपराधियों के द्वारा विकास कुमार की हत्या की गई है। जी जी अभी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया विश्वनाथ। तो आपको बता दें कि रमाकांत यादव हत्याकांड में आज गवाही होने वाली थी, और एकमात्र गवाह की कल रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और प्रशासन अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।